रेवाड़ी नगर परिषद प्रशासन द्वारा लंबित संपत्ति कर की वसूली के उद्देश्य से मंगलवार से विशेष कर संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। अतिदेय संपत्ति स्वामियों को कार्रवाई के बचाने के लिए जल्द से जल्द संपत्ति कर का भुगतान करें, ऐसा वाड़ी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ने कहा है। टीम ने मंगलवार को चेक और कैश के जरिए MIDC से 25 लाख की टैक्स वसूली की है। वहीं वाड़ी नगर परिषद ने नागरिकों की सुविधा के लिए घर घर पहुंचकर बकाया कर वसूली के लिए विशेष टीम गठित की है। नगर परिषद उप मुख्य अधिकारी रतन माला फटिंग के नेतृत्व में कर संग्रह दल में कर निरीक्षक प्राची लांजेवार, रवि हुमाने, अशोक बोकाड़े, योगेश जागीदार, रमेश कोकाड़े, मनोहर वानखेड़े, कमलेश तिजारे, चेतन तुरंकर, भीमराव जसूतकर, गौरव गानार, प्रतीक्षा पाटिल, सुषमा भालेकर टीम में शामिल रही। उक्त संग्रह टीम संपत्ति कर की वसूली कर रही है। मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ने वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि वे सीमाओं के भीतर बने मकानों एवं संपत्ति स्वामियों के पास जाकर उनके लंबित संपत्ति कर का भुगतान करें तथा नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई से निजात दिलाए, ऐसा व्यक्त किया है। वसूली कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को कई सवालों का सामना करना पड़ा। कर वसूली टीम की सुरक्षा के लिए पुलिस अमलदार दिनेश तंदुलकर और महिला पुलिस अधिकारी इंदु कंडीवाल मौजूद थी। नमस्कार, मैं रत्नमाला पटेल, उप मुख्य अधिकारी नगर परिषद वाड़ी। जसं की तुम्ही बघून राहिले आहे, आता कर वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे। मार्च महिन्याचा शेवट होत आहे, त्यामुळे सर्व करधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी लवकरात लवकर आपला कराचा भरणा करावा। नगर परिषद वाडीतर्फे जप्तीची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे। आजपर्यंत आम्ही 25 लाखपर्यंतचा दंड वसूल केलेला आहे आणि काही ठिकाणी जप्तीसुद्धा करण्यात आलेली आहे, सील करण्यात आलेली आहे। सर्व नागरिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर कराचा भरणा करावा आणि ही जप्तीची कार्यवाही टाळावी। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।